हेलो ऑल, लेट्स सी हाउ टू यूज गूगल मैप। गूगल मैप में हमेशा कुछ ना कुछ फीचर्स अपडेट होते रहते हैं और उसका फायदा हम उठा सकते हैं। जैसे आप गूगल मैप ऐप ओपन करने के बाद आपको जहाँ जाना है वो डेस्टिनेशन आपको यहाँ डालना है। जैसे मैंने अभी मुझे दादर जाना है तो दादर डेस्टिनेशन डाला, तो यहाँ नीचे ऑप्शंस आते हैं डायरेक्शंस, तो आप डायरेक्शंस पे क्लिक करोगे तो ये रूट बता दिया मैप ने। अभी ये कार से कैसे जाते हैं, कार कार से कितना टाइम लगेगा उसका डिटेल्स दिया है। एस्टिमेशन ये 30 किलोमीटर दूर है और 45 मिनट्स लगेगा। और आप इसको अगर जूम करोगे तो आपके ये शुरू होता है जहाँ करंट लोकेशन है वहां से ये शुरू होता है, और बीच बीच में ये येलो ऑरेंज दिख रहा है। इसका मतलब है मूविंग ट्रैफिक है ये रूट पे। और जैसे आप आगे आगे देखोगे तो यह रेड मार्क है, रेड मीन्स यह ट्रैफिक है, यह थोड़ा जाम है। तो आपको ये देख के रूट सिलेक्ट करना है। और जैसे आप रूट सिलेक्ट करते हो यह और भी ऑप्शन है। अगर आप बाइक से जाते हो तो कितना टाइम लगेगा, और यह और एक ऑप्शन है बस या ट्रेन। यह आपको बस नंबर्स भी पता चलेंगे, कौन सी बस कहाँ जाएगी। जैसे कि आप स्टेशन से कहीं दूर रहते हो तो ये कुछ डिटेल्स होती है। ट्रेन स्टेशन तक आप कौन सी बस से जाए, और वहाँ स्टेशन से आप दादर कैसे, लोकल ट्रेन पकड़ के दादर कैसे जाओ। 6 ऑप्शन है, आप वॉकिंग जाते हो चल के तो कितना टाइम लगेगा। और एक ऑप्शन है, या टैक्सी का ऑप्शन है, जैसे ओला उबर मेरू कैब से आपको जाना है तो यहाँ से आप शेयर कैब ले सकते हो। ऑटो का ऑप्शन है, ये सब ऑप्शंस है। अभी जब आप रूट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ स्टार्ट करते हो तो आपका ये मैप स्टार्ट होता है। जैसे आपका व्हीकल आगे बढ़ता है उस तरह से मैप भी आगे आगे बढ़ते जाता है और ये रूट आपको बताते रहता है। यहाँ वॉइस का भी ऑप्शन है, अगर यहाँ वॉइस आप चालू चालू करते हो तो आपको आवाज भी पता चलेगा, कहाँ से लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, स्ट्रेट जाना है, तो आपको सुनाई देगा। तो ये तो हो गया रूट का, बट इसमें और काफी ऑप्शंस हैं। जैसे कि आप कहाँ हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो, क्योंकि ये मैप चलता है इंटरनेट पे, अगर इंटरनेट नहीं मिला तो मैप काम नहीं करेगा। तो यह और एक ऑप्शन दिया है गूगल ने, ऑफलाइन मैप। यह ऑफलाइन मैप पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ आप डाउनलोड कर सकते हो। इतना 140 MB का इसका स्टोरेज लोकेशन स्टोरेज कैपेसिटी है। ऑफलाइन मैप क्या है, जब आप हाईवे पे होते हो और नेटवर्क वहाँ नहीं होता है तो ये आप जो डाउनलोड करके रखते हो डेटा, तो यहाँ से वो यूज होगा और आपका मैप चलते रहेगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको अपडेट करना है। अपडेट होने के बाद यहाँ एक मैसेज आएगा, यह मैसेज है डाउनलोड इज कंप्लीट, जस्ट यूज मैप नॉर्मली व्हेन इवन व्हेन ऑफलाइन। मींस अगर आपका नेटवर्क नहीं है फिर भी आप इसे यूज कर सकते हो एज अ मैप। तो ये है फीचर, इट्स अ वेरी गुड फीचर और इसकी वैलिडिटी है 364 डेज में आपको फिर से एक बार यह डाउनलोड करना है डेटा। बैक करने के बाद यह एक लोगो दिखता है, यहाँ आप क्लिक करोगे तो यह अलग अलग ऑप्शंस है। जैसे ये नॉर्मल डिफॉल्ट ऑप्शन है, ये इस पे क्लिक करोगे सैटेलाइट ऑप्शन दिखेगा। सैटेलाइट ऑप्शन आपको इस तरह से कुछ दिखेगा। और एक ऑप्शन है, यहाँ इस तरह दिखेगा प्लेन। तो नॉर्मली डिफॉल्ट ऑप्शन ही रखते हैं, इट्स अ बेस्ट ऑप्शन समझने के लिए। जब आप रूट सिलेक्ट करते हो यहाँ और एक बेस्ट ऑप्शन है, जैसे आप जैसे रूट सिलेक्ट करने के बाद आपको मीन्स अब मॉर्निंग के 11 बजे है और आपको 4 बजे निकलना है, तो आपको आप रिमाइंडर भी लगा सकते हो। जैसे आप इस पे क्लिक करने के बाद नीचे आओगे तो यहाँ एक ऑप्शन है, रिमाइंड यू टू लीव ऑन टाइम। यहाँ आप ऑन करोगे तो यहाँ आपको टाइम सेट करना है। टाइम सेट करने के बाद यहाँ सेट रिमाइंडर करोगे तो बरोबर 4 बजे ये अलार्म बजेगा। जैसे हमारा
क्लॉक का अलार्म बजता है, सो इट्स वेरी गुड फीचर, इसे भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप मेन स्क्रीन पे आते हो तो यहाँ और एक ऑप्शन है एक्सप्लोर नियर बाय, आप इस पे क्लिक करोगे तो इफ यू आर सर्चिंग रेस्टोरेंट या कॉफी शॉप तो आपको यहाँ ये सब ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे आप रेस्टोरेंट पे क्लिक करते हो तो ये रेस्टोरेंट्स की डिटेल्स यहाँ दी हुई है, आप आपको जो अच्छा लगता है रेस्टोरेंट सिलेक्ट करके उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ डायरेक्शन डायरेक्शन आपको मिलेगा कितना दूर आपके लोकेशन से ये रेस्टोरेंट है, और वैसे ये नेविगेशन होगा या स्टार रेटिंग्स भी दी है, स्टार रेटिंग से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो और डायरेक्शन आपको मिल जाएगी ये लोकेशन क्या है और कैसे जाना है, तो आप ये ऑप्शन भी यूज कर सकते हो। नॉट ओनली रेस्टोरेंट बट यहाँ और भी काफी सर्विसेस है, जैसे फूड फूड एंड ड्रिंक में आपको रेस्टोरेंट बार्स कॉफी कॉफी शॉप वो सब पता चलेगा ही। देन जिम जिम नियर बाय जिम आपको ढूंढना है तो वो सब है यहाँ पे। फिल्म आपको मूवी के लिए जाना है तो थिएटर्स अराउंड किधर है वो पता चलेगा। शॉपिंग के लिए मॉल्स और कुछ शॉप्स आपको ढूंढनी है तो वो है। फिर होटल्स एटीएम्स एंड नियर अराउंड आपके पास पेट्रोल पंप ढूंढना है तो वो सब सर्विस है। फिर पार्किंग के लिए भी आप ढूंढ सकते हैं, पार्किंग का बहुत आजकल इश्यूज होता है सिटीज में, तो यहाँ आप एक गूगल मैप आप सिर्फ ना रूट फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हो, या बल्कि ये सब भी ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो, और ये वेरी सिंपल यूज करने के लिए है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, थैंक यू वेरी मच।